मंडावली में लाखों रुपए के टूट फूट का नुकसान, कोई निगम पार्षद कोई भी प्रेजेंट नहीं है और कोई भी दुकानदारों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। भाई साहब खैर एमसीडेंट समय दिए तो एकदम आगे कार्रवाई की है इन्होंने, कम से कम दो दिन एक दिन समय दिया जाए हमें दुकानदारों को, हमें नोटिस दिया जाए, बगैर दिए क्या कार्रवाई कर देंगे? फिर कहते हैं हम कोई टाइम नहीं देंगे, ये कोई तरीका थोड़े है क्या? हम दुकानदार किस पे क्या करेंगे? एक छूट दूध पानी की दुकान करते हैं हम कोई ये क्या कह रहे हैं? मंडावली से सचिन कुमार, कनौज रामजीलाल। मंडावली में लाखों रुपए के टूट फूट का नुकसान, कोई निगम पार्षद कोई भी प्रेजेंट नहीं है और कोई भी दुकानदारों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया ताकि हम अपना कोई भी सामान हटा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा अजीब तरह की हरकतें करी जा रही है, या ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हरकत हो सकती है क्या? कोई भी ना तो यहाँ पे निगम पार्षद मौजूद है, ना ही यहाँ का कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो, निगम पार्षद हो, सांसद हो, या बीजेपी का हो, या आम आदमी पार्टी का हो। दुकानदार यहाँ पे परेशानी झेल रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। ये देखिए कितना नुकसान हो रखा है यहाँ पे, और पूरा पुलिस फोर्स के साथ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखिए इस तरह की हरकत हो रही है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारी रो रहा है, व्यापारी आपको टैक्स देता है, व्यापारी आपको चुनाव में मदद करता है, लेकिन फिर भी व्यापारी की कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा है, ना तो कोई आम आदमी पार्टी का नेता दिख रहा है, ना ही बीजेपी का कोई नेता दिख रहा है, और ये कितना नुकसान किया गया आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत लग रही है? क्या हुआ? क्या कराया सर? खैर एमसीडेंट समय दिए तो एकदम आगे कार्रवाई की है इन्होंने, कम से कम दो दिन का एक दिन का समय दिया जाए हमें दुकानदारों को, हमें नोटिस दिया जाए, बगैर दिए क्या कार्रवाई कर देंगे? फिर कहते हैं हम कोई टाइम नहीं देंगे, ये कोई तरीका थोड़े है क्या? हम दुकानदार किस पे क्या करेंगे? एक छूट दूध पानी की दुकान करते हैं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना? अरे आगे मिनट में छोड़ देते हैं, समय दे कम से कम दो दिन का, दो घंटे का, हमने अफसर से एक घंटे का समय मांगा, वो भी दिया हमें दिया, क्या मतलब है ये? कहाँ है हमारे यहाँ की निगम पार्षद और विधायक, कहाँ है? कोई निगम पार्षद नहीं, ना विधायक है, ना शिक्षा मंत्री है, सब यहाँ के ठलुए हैं, सारे राजनीति जितने भी हैं वोट मांगने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह की यहाँ पे परेशानी दुकानदारों को झेल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी, तो लोग यहाँ पे बहिष्कार करने को तैयार हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन साथ में है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा।
अरे इधर हो जाओ सचिन भाई, लग जाएगी।